इस बात को जरा ध्यान से सुनना क्योंकि ये बात बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। एक कंपनी ने अपनी बिल्डिंग की दीवार को पेंट करवाने के लिए पूरे 1650 करोड़ रुपए दिए। ये कोई मजाक नहीं है और ना ही कोई झूठ। आप सोच रहे हैं क्योंकि ऐसी कौन सी चाइना वॉल की दीवार है जिसको सिर्फ पेंट करवाने के लिए ही 1650 करोड़ रुपए खर्च हो गए, या फिर पेंट ही सोने का था। देखो कंपनी का नाम है फेसबुक। अब पूरी बात सुनना कि ये 1650 करोड़ रुपए का बजट आखिर आया कैसे। देखो 2005 की बात है जब फेसबुक एक नई कंपनी थी और उस टाइम में फेसबुक इतना कोई चलाता भी नहीं था। अब बात यह थी कि फेसबुक ने अपनी हेड ऑफिस की दीवार पर म्यूरल बनवाना था। अब उसको बनवाने के लिए फेसबुक ने एक आर्टिस्ट को हायर किया था जिसका नाम था डेविड चो। अब डेविड चो जो आर्टिस्ट था वो बहुत ही ज्यादा महंगा और फेमस आर्टिस्ट था। अब डेविड चो ने फेसबुक की इस दीवार पर म्यूरल बनाने के लिए पूरे $60,000 मांगे, यानी कि 50 लाख रुपए। फेसबुक वालों ने डेविड चो को एक ऑफर दिया कि वो पैसों के बदले में इतनी ही वैल्यू के अपनी कंपनी के उनको शेयर्स देंगे। अब डेविड चो ठहरा महंगा और फेमस आर्टिस्ट, उसके पास पैसे की कोई कमी तो है नहीं थी। उसने सोचा भाई हर बार तो मैं पैसे ही लेता हूं, तो इस बार कुछ अलग ही सही। तो भाई इस डील के लिए डेविड चो भी मान गया और 2005 में डेविड चो ने 50 लाख रुपए के फेसबुक कंपनी के शेयर्स ले लिए। और आगे चलकर टाइम के साथ जब फेसबुक कंपनी लिस्ट हुई तो उन शेयर्स की वैल्यू थी $200 मिलियन, यानी कि 1650 करोड़ रुपए। यानी कि उस दीवार को सिर्फ पेंट करने के लिए डेविड चो को 1650 करोड़ रुपए मिले। अब से अगर आपको कोई नई कंपनी पैसों के बदले में शेयर्स दे तो भाई ले लेना, क्या पता टाइम के साथ अगले करोड़पति आप ही हो। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।